ऊर्जा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज का झटका, अप्रैल में बढ़ेगी बिजली बिल और ऐसे में 31 पैसे यूनिट का भारत जनता से वसूलेंगे 562 करोड़ रुपए। सरकार में अब तक 13 बार डाला गया फ्यूल सरचार्ज का बोर्ड, ऐसे में दिसंबर 2018 के अनुपात में आज का बिल 125 से 175 रुपए तक बढ़ चुका है, यानी कि आम जनता को अब एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सरचार्ज का भार अब जनता को झेलना पड़ेगा, उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज का पैसा सरकार वसूलेगी, ये बड़ा झटका एक कह सकते हैं कि जनता की सीधे तौर पर जनता की जेब पर पड़ने वाला है। दिसंबर 2018 के अनुपात में आज का बिल 125 से बढ़कर 175 रुपए हो चुका है। और इसी तरह ऊर्जा विभाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सरचार्ज का पैसा अब जनता से वसूला जाएगा, सीधा सर जनता की जेब पर पड़ने वाला है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को एक प्रोविजन दे रखा है कि वो फ्यूल सरचार्ज के रूप में वो पैसा जनता से वसूल कर सकती है जो कि उनके फ्यूल सरचार्जिंग कॉस्टिंग के अंदर आता है। यानी कि अगर कोई कोल का खर्चा बढ़ता है या कोल का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ता है या फिर और अन्य वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती है, तो उस कंडीशन में उसका पैसा जो है उपभोक्ता से वसूलने का नियम है। उसी नियम के तहत 31 पैसे प्रति यूनिट की वसूली जो है इस बार की उपभोक्ताओं से निकाली गई है, और ये जो वसूली है वो अप्रैल के बिल जो है उसमें जुड़कर ही आएगी, और जिससे तकरीबन सरकार जनता से तकरीबन 562 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डिस्कॉम को पैदा होगी। ये पूरा जो इशू है राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से जो बनाए गए नियम है, उस नियम के तहत ये फ्यूल सरचार्ज वसूला जा रहा है, और ये फ्यूल सरचार्ज वो है जो कि जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से तय किया गया था फ्यूल का सरचार्ज, फ्यूल चार्ज माफ कीजिएगा, उस फ्यूल सरचार्ज के बाद में जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ है उसको सरचार्ज के रूप में वसूलने का नियम है, और उसी प्रावधान का उपयोग करते हुए बिजली कंपनियों ने ये पैसा निर्धारित किया है। जी विकास, इस तरह से तो इस महंगाई के दौर में जनता की चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो है वो एक एक पैसे का हिसाब जो है बना करके फिर बिजली कॉस्ट तय करता है, लेकिन जब उस कॉस्ट के अंदर फ्यूल के रूप में जो संसाधन आते हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो असर है वो सीधा उपभोक्ताओं से वसूला किया जाना है, और उसी नियम के तहत ये वसूली जो है की जाती है। जी अजय विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।